हेलो दोस्तों, आज हम इस ड्रेस का चोली और पगड़ी बनाएंगे। तो चलिए चोली बनाना शुरू करते हैं। देखिए, चोली बनाने के लिए हम ये इतना लंबाई में इसे हम बतलाते हैं कितना लिए हुए हैं कपड़ा। लंबाई में हम 8.25 इंच कपड़ा लिए हुए हैं और चौड़ाई इसका 2 इंच था, जिसे हम मोड़ कर 1 इंच के लगभग बनाए हैं। ये हम मोड़ लिए हैं, देखिए इस तरह से मोड़ कर 1 इंच के लगभग कपड़ा यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब हमें इसी डिजाइन को यहाँ पे बनाना है, तो ध्यान हमें रखना है क्या, देखिए इसे हम बिल्कुल आधा इस तरह से नाप लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से नाप लिए इसे हम, या तो आप इसे कटिंग भी कर सकती हैं, कटिंग करने के बाद इसमें आप काम कर सकती हैं। चलिए हम कटिंग कर लेते हैं, आपको बनाने में यहाँ आसानी होगी। देखिए कटिंग कर लेने के बाद में अब ये जो दो कपड़ा है, ये दो कपड़ा इस तरह से हम चोली यहाँ पे इस तरीके से सिल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से सिल जाएगा। अब सिल लेने के बाद में फिर हम इस चीज़ को बनाएंगे जो यहाँ पे हम मोती और इसके डोरी के द्वारा बनाए हुए हैं, इसे हम बनाएंगे। ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे, मात्र दो बनाएंगे, एक यहाँ पे डालेंगे बनाकर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्योंकि ये तो पीछे की ओर चला जाएगा, ये भी पीछे की ओर चला जाएगा। तो हम ऐसा बनाएंगे जो सिर्फ सामने की ओर यहाँ दो और यहाँ दो रहे। तो चलिए इसे हम सबसे पहले यहाँ पे सिल लेते हैं और डोरी बनाकर, डोरी काट कर हम उसी तरह से यहाँ सिल लेते हैं, फिर हम लेस यहाँ पे लगा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डोरी ही बनाते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे लेस डालेंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें करना क्या है, ये हमारा डोरी है, इसे हम इतना लगभग में रखेंगे। तो ये कटिंग कर लेंगे हम 4 पीस में, ये हो गया एक। अब इसी की नाप से हम करेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 4। तो हम 4 पीस यहाँ पे काट लिए हैं। काटने के बाद हमें सुई धागा का यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे हम एक गांठ लगा लेते हैं, इसके बाद सिलना शुरू करेंगे। एक भाग इसका हम उठाएंगे इस तरह से, यहाँ पे सिलेंगे। देखिए ये इस स्थान पे सिलेंगे। इंच की सहायता से अगर हम देखते हैं तो कितना दूरी छोड़े हुए हैं, 1 इंच के लगभग छोड़ दिए हैं। इसके बाद यहाँ हम सिलना शुरू कर रहे हैं। देखिए अगर ये कुछ बाहर आ जाएगा तो इसे हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें इतना बाहर कपड़ा भी दिखना चाहिए। ये हो गया एक हमारा, एक और सी लेंगे। इस तरह मिलाते हुए ये हो गया हमारा। अब हम अगर पहले यहाँ मोती लगाते हैं तो चलिए हाथ से हमें लेस सिलना पड़ेगा, अगर हम पहले यहाँ पे मोती लगा लेंगे तो। तो चलिए हम इसे सबसे पहले बराबर कर लेते हैं कटिंग करते हुए। देखिए इस तरह से बराबर हो गया। अब ये लेस लेंगे, ये लेस लेंगे और लेकर हम यहाँ से यहाँ तक इसे सिल लेंगे। सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग हम करेंगे थोड़ा सा बड़ा रखते हुए, चलिए इतना बड़ा रख लेते हैं। इसी तरह हमें दूसरा भी करना है।
इस तरह से हम मोड़ लेंगे हल्का सा और सिलना शुरू करेंगे। तो सुई हमें सबसे पहले लाना पड़ेगा इस तरफ, देखिए सबसे पहले हम सुई इस तरफ ले आते हैं नीचे की ओर। अगर आप मशीन से सिलेंगी तो तुरंत हो जाएगा आपका ये काम। अब इसे हम ऊपर तक सिल लेंगे, बाद में हम मशीन की सिलाई यहाँ पे लगा देंगे ताकि इसका मजबूती बना रहे। अब देखिए यहाँ तक पहुँचने के बाद हम साथ में मोती भी यहाँ लगाते चले जाएंगे। दो मोती हमें लगाना है, तो मोती लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुई को निकालेंगे, यहाँ से इस तरह डालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, ये हो गया। एक मोती हम ले लेंगे, फिर दूसरा यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए जब ये मोती लगाएंगे तो इस तरह हल्का सा इससे भी हम सिलते चले जाएंगे, देखिए इस तरीके से, ताकि ये अच्छी तरह से यहाँ पे ये सेट हो जाए। अब दूसरा मोती लेंगे, अब इसे यहाँ से लेकर यहाँ निकालेंगे, देखिए इस तरह से निकाल लिए। अब लेस को हम ऊपर की ओर तक सिल लेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे नीचे की ओर ले जाकर। तो ठीक इसी तरह हम दूसरे तरफ का भी तैयार कर लेंगे। तो चलिए इस तरफ का भी हम इसी ढंग से तैयार कर लेते हैं। आप चाहें मशीन की सिलाई लगा सकती हैं, चाहे तो हाथ से भी सिल सकती है। यहाँ पे लग गया, इसे खोल लेते हैं, मशीन द्वारा हम सिल लेंगे इसे। अच्छा इसे खोल लेंगे तो इस तरह से देखिए हम एक और जो पीस है उसे भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये दूसरा पीस भी हम तैयार कर लिए। इसके बाद बीच में यहाँ पे हम सिल दिए हैं और यहाँ इस लेस को हम यहाँ भी लगा दिए हैं और इसमें एक डोरी हम यहाँ साथ में सिल चुके हैं। तो आप जब कान्हा जी को पहनाएंगी तो देखिए ये इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, तो आपका ये डिजाइन भी सामने में अच्छा लगेगा देखने में। तो चलिए अब हम पगड़ी बनाते हैं। देखिए पगड़ी के लिए भी हमें क्या करना है, इसमें हम जितना कपड़ा लिए हुए थे उतना ही कपड़ा हमें पगड़ी के लिए भी लेना है। तो देखिए उतना ही कपड़ा हम पगड़ी में भी ले लिए हैं, यानी कि 8.5 इंच हम चोली में कपड़ा लिए हुए थे, तो पगड़ी में भी हम उतना ही कपड़ा लिए हुए हैं। और इसे जिस तरह तरीके से हम चोली में बनाना बतलाएं उसी तरीके से यहाँ ये बनाकर हम कंप्लीट किए हुए हैं। अब इसे इस तरह से हम पकड़ेंगे, ये हमें नीचे सिर के पास आना चाहिए, तो हम इस तरह से पकड़ेंगे। और इसे देखिए सबसे पहली बात की, देखिए यहाँ पर हम कितना इसे छोड़े हुए हैं, ये भी आप लोगों को बतला दें। इतना दूर में हम मोती नहीं लगाए हुए हैं,
देखिए यहाँ पे ये 1.5 इंच के लगभग और इस जगह पे 2 इंच के लगभग। हम यहाँ पे मोती नहीं लगाए हुए हैं, सिर्फ हम बीच में ही मोती लगाए हुए हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से पकड़ना है और इसे इस तरीके से इस ढंग से हमें लाना है। लाने के बाद में अगर हम एक मोती यहाँ भी करते तो अच्छा ही रहता। चलिए ठीक है, फिर भी हम इसे इस ढंग से कर लेते हैं, इस ढंग से कर लेते हैं तो ये अब देखने में अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से हम इसे कर लिए और ये जो भाग है इसे हम यहाँ पे ये इस तरीके से सिल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जो भाग है इसे हम मिलाते हुए इस ढंग से सिल लेंगे। देखिए बिल्कुल इसे मिलाते हुए हम इस ढंग से सिल लेंगे। देखिए तो चलिए हम इसे पहले सिलकर यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। इसका कोना हम इस ढंग से निकालेंगे, फिर इसे इसे मिलाते हुए यहाँ तक सिल लेंगे। देखिए इस तरह से आ जाएगा ये। अब अंदर की ओर ले जाकर हम एक गांठ यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप इसे मशीन से सिलना चाहती हैं तो सिल सकती हैं, क्योंकि ये किनारे किनारे है इसलिए सिल सकती हैं आप। अब यहाँ धागा को हम कट कर लेते हैं। अब देखिए, अब आपका ये पगड़ी कुछ इस तरह का दिखने में लगेगा। देखिए इस तरह का लगेगा। इसमें अगर आप फ्लावर देना चाहती हैं तो फ्लावर आप यहाँ पे दे सकती हैं, जैसा कि पोशाक में दिया हुआ है, तो आप इस ढंग से फ्लावर यहाँ सजा सकती हैं। एक फ्लावर यहाँ दे दें, दूसरी फ्लावर हम यहाँ देंगे। इस तरह से करते हुए आप सजा सकती हैं, लेकिन हम इसे बिना फ्लावर का रखेंगे क्योंकि हमें ये काफ़ी सुंदर इसी तरह लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, इसलिए हम इसे इसी तरह रखेंगे। देखिए पीछे भी ये इस तरह से चलाएगा, पूरी गुलाई में ये आपका मोती इस तरह से चलाएगा। तो इस तरह से ये पगड़ी और ये चोली बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।